नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हब ऑफ फेम में। तो आज की इस वीडियो में हम शहनाज कौर गिल के बारे में जानेंगे। शहनाज गिल का नाम आखिर देश का कौन सा नागरिक नहीं जानता। लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाली शहनाज कौर गिल एक मशहूर पंजाबी अभिनेत्री, मॉडल और सिंगर हैं। वो टेलीविजन और मूवीज में भी काम करती हैं। तो आइए अब जानते हैं शहनाज गिल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर वन, शहनाज ने पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। इसी दौरान उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर मॉडल और एक्टर काम करेंगी। फैक्ट नंबर टू, शहनाज ने साल 2015 में बतौर मॉडल अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने शिव की किताब गाने से डेब्यू किया और फिर मांझे दी जट्टी, गैरी सिंधु के नो डाउट बेबी, रवनीत सिंह के लख लांता और गुरी के यारी सहित कई म्यूजिक वीडियो में नजर आई। फैक्ट नंबर थ्री, पंजाब की कटरीना कैफ यानी शहनाज के अंदर सिंगिंग टैलेंट भी है। उनका गाना बहम सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रेंड किया था। फैक्ट नंबर फोर, रियलिटी शो बिग बॉस 13 में नजर आने से पहले शहनाज ने पॉपुलर एक्ट्रेस शरगुन मेहता के साथ पंजाबी फिल्म काला शाह काला में काम किया है। फिल्म में शरगुन पंजाब की कैटरीना कैफ थी। शहनाज ने इस मूवी से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। फैक्ट नंबर फाइव, शहनाज कौर गिल के अगर हम बॉयफ्रेंड की बात करें तो उनका नाम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अक्सर जोड़ा गया है। सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे से बिग बॉस 13 में मिले थे। वहां ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बने और एक दूसरे के काफ़ी करीब भी देखे गए। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं है। उनका निधन 2 सितंबर 2021 को हार्ट अटैक के कारण हुआ था। फैक्ट नंबर सिक्स, सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज गिल को गहरा सदमा लगा, लेकिन अब वो नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट रही हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो शहनाज जल्द ही सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। फैक्ट नंबर सेवन, अगर हम बात शहनाज गिल के विवादों की करें तो शहनाज गिल अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही विवाद रहा है। इसमें उन्होंने साल 2019 में अभिनेत्री हिमांशी खुराना पर एक टिप्पणी की थी, जिससे सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोरी। दरअसल हिमांशी खुराना का एक गाना आई लाइक इट शहनाज को पसंद नहीं आया, जिसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर हिमांशी के बारे में काफ़ी सारी बातें की। इसी के कारण उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी बदनाम किया, जिसके चलते ये दोनों अभिनेत्रियाँ काफ़ी सुर्खियों में रहीं। फैक्ट नंबर एट, अगर हम बात शहनाज गिल के कुल टोटल नेटवर्थ की करें तो वो 5 करोड़ की नेटवर्थ की मालिक हैं। वो ब्रांड प्रमोशन के लिए 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। शहनाज के पास एक ऑडी रेंज रोवर, ऑडी Q3, मर्सिडीज वेस सी क्लास और जगुआर जैसी कारों की कलेक्शन है। फैक्ट नंबर नाइन, शहनाज गिल ने बिग बॉस में बताया था कि वह अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक्टिंग के फील्ड में आई हैं। शहनाज के घर वाले उनकी शादी करवाना चाहते थे। शहनाज ने बताया कि घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैं एक्टिंग में करियर बनाने की अपनी जिद पर टिकी थी। हालांकि जब मैं देर रात शूटिंग से वापस आती थी तो घर में काफ़ी बवाल होता था। घर वालों के साथ लगातार लड़ाई के कारण ही मैंने शादी नहीं की। मैंने घर छोड़ दिया और उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। हालांकि मेरी पॉपुलैरिटी देखकर मेरे घर वालों को मुझ पर गर्व हुआ और मैं वापस लौट आई। तो ये थे शहनाज गिल कौर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।